हेलो कैसे हैं यहाँ वेलकम बैक अनुलेखा किचन रेसिपी तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुरकुरी सी भिंडी आपने ये भिंडी तो बहुत बार खाई होगी पर एक बार इस टिप्स के साथ ज़रूर बना के देखिएगा कि कैसी लगी इसे दाल रोटी चावल सब के साथ आप इंजॉय करिए तो भिंडी लवर्स के लिए कुरकुरी भिंडी तो चलिए चलते हैं यहाँ मैंने लिए हैं दो ग्राम भिंडी इसे मैंने अच्छे से धो के पहुँच के लम्बे लंबे काट लिए हैं आपको बीज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्ट बीज के के साथ ही बना सकते हैं हाँ भिंडी पक्की हो तब आप बीज निकालिएगा तो अब इसे हम रख लेते हैं बाउल में बाउल में डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे तो ये मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर अच्छे से आप मिला के छिड़क लीजिएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर धनिया पाउडर मिलाने के बाद इसमें हम मिला देंगे थोड़ा सा गरम मसाला तो आपको वन फोर्थ स्पून ही आपको गरम मसाला लेना है इसके बाद मैंने लिया यहाँ से तीन से चार बड़े चम्मच बेसन बेसन मिलाने के बाद इसमें मैं डालूँगी भुना हुआ जीरे का पाउडर लगभग मैंने एक चम्मच लिया है जीरे को भूज के इसका पाउडर आप रेडी कर लीजिएगा ये सब मिलाने के बाद हम मिलाएंगे हमारा बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स चावल का आटा तो लगभग दो से तीन चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है इसे मिस मत करिएगा क्योंकि इसी से हमारे भिंडी में क्रिस्पीपन बहुत अच्छा आता है, है इसके बाद मैं ले लूँगी कुटी हुई सौफ एक से दो चम्मच मैंने सौफ को कूट के डाला है बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है इसे मिस मत करिएगा इसे भी मिस मत करिएगा इसके बाद मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा हींग दो चम दो पिंच मैंने लिया है ओनली तो उतना ही आपको लेना है इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी में भिंडियों में यह सभी अच्छे से मिक्स हो जाएं अब ये थोड़ा सा इसमें सूखा फन आ रहा है तो मैं हल्का हल्का पानी इसमें छिमकूंगी मैंने आपको डायरेक्ट पानी नहीं डालना है छिमक छिमक के इसको आपको थोड़ा सा लटपटासा करना है बस इतना काफ़ी है इसके बाद आप इसमें पानी मत डालिएगा तो ये देखिए बढ़िया सा इसमें कलर भी मस्त लग रहा है इसे आप स्किप भी कर सकते हैं वाटर को आप नहीं डालना चाहेंगे भी तो चलेगा आप उसमें डायरेक्ट पूरे को मिक्स करके आप डायरेक्ट उसको फ्राई भी कर सकते हैं और ये देखिए बढ़िया सा हो गया अब इसमें मैं डाल दूँगी लास्ट में नमक नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स ये हो गया है मिक्स बढ़िया सा अब इसमें मैं डाल दूँगी मैंने इसमें दो तीन तीन से चार कटी मिर्च ली है कटी मिर्च डालने के बाद लंबी लंबी काटने के डालने के बाद इसे फ्राई करेंगे तो मैंने इसमें कढ़ाई लेके इसमें ऑयल डाल दिया है फ्राई के लिए जितना ऑयल लगता है उतना सफिशेंट आप ले लीजिए ऑयल डालने के बाद हमारा देखिए यहाँ पर ऑयल हो गया है गर्म गरम होने के बाद हम फटाफट हमारी तैयार की हुई भिंडी इसमें डाल देंगे भिंडी को अच्छे तरीके से दोनों साइड हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो गैस की जो फ्लेम है उसे मीडियम में रखिएगा अब ये देखिए एक साइड से लगभग हो गया है अब इसे मैं पलटा दूँगी दूसरे साइड तो दूसरे साइड भी आप अच्छे से इसे फ्राई करके फिर एक प्लेट में निकालिएगा टिशू में टिशू पेपर या एक पेपर न्यूज़पेपर आप इसे प्लेट में रख के उसमें निकालिएगा ताकि एक्स्ट्रा जितने भी ऑयल होंगे वो सब निकल जाएंगे तो मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने टिशू पेपर रखा है और ये देखिए बढ़िया सा अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे तो ये देखिए बढ़िया सा मेरा जो भिंडी कुरकुरी सी भिंडी है वो रेडी हो गई है अब इसे आप दाल के साथ दाल चावल के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भी आप सर्व करिए या ऐसे भी खाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा तो ये बढ़िया सी भिंडी रेडी हो गई है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट्स भी करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय